हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, जो वीडियो नंबर 22 है और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऑल एंड ऑल जॉब्स प्रिपरेशन में आपका वेलकम है। मुस्लिम सेलिब्रेट विक्ट्री डे ऑन 11 जनवरी 1946 में। विक्ट्री डे जो मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया था 11 जनवरी 1946 में किया था। शिमला कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड बिटवीन ऑल पार्टीज ऑफ सब कंटिनेंट एट शिमला इन। ये दूसरी जंग अजीम के बाद लॉर्ड वेवल ने ये कॉन्फ्रेंस जो थी मुनक़द की थी, शिमला कॉन्फ्रेंस। इसमें तमाम पार्टीज को इनवाइट किया गया था। जून 24 1945 में डेट इसकी है, जून 24 1945 में। हु वाज द विसराय ड्यूरिंग द टाइम मिस्टर एटली ऑफ इंग्लैंड डिक्लेयर द ब्रिटिश इंटेंशन टू ट्रांसफर पावर टू इंडियंस। लॉर्ड वेवल थे उस वक्त विसराय, जब प्राइम मिनिस्टर जो थे इंग्लैंड के, उसने कहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपनी तमाम पावर्स इंडियन को फ्राहम कर देगी। उस वक्त लॉर्ड वेवल विसराय थे। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन विजिट इंडिया, इंटीरियम गवर्नमेंट फॉर्म्ड एट द सेंटर इन 1946 में। और कैबिनेट मिशन भी था 1946 में, उसने विजिट किया था बरेश्किर का। द लाहौर रेजोल्यूशन वाज सपोर्टेड बाई काजी मोहम्मद ईसा फ्राम द प्रोविंस ऑफ। काजी मोहम्मद ईसा बलूचिस्तान से थे जिन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था। नेम द सिंध लीडर हु सपोर्टेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन फ्राम द प्रोविंस ऑफ। सिंध से कौन थे? सर अब्दुल हरूम थे, सिंध से सर अब्दुल हरून, और बलूचिस्तान से थे काजी मोहम्मद मूसा। और द सपोर्टर ऑफ द पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन द पंजाब, पंजाब से थे मौलाना जफर अली खान। नेम द लीडर हु सपोर्टेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन फ्रॉम यूपी, यूपी से चौधरी खलीकुज्जमान थे। हु प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन ऑन 23rd March 1940, ए के फजलुल हक ने प्रेजेंट की थी। वेवल प्लान विच वाज हाईली अपोजिट बाई कादे आजम वाज प्रेजेंटेड इन, ये 1945 में आया था वेवल प्लान, और इस कादे आजम इसके बहुत ख़िलाफ़ थे, सख्त ख़िलाफ़ थे। द कैबिनेट मिशन अनाउंस देयर प्लान ऑन। कैबिनेट मिशन जो था 1946 में आया था, और मई 1946 में इन्होंने अपना जो प्लान था वो अनाउंस किया था। कम्युनल अवार्ड इंगेज्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस बिसाइड्स हिंदू मुस्लिम एंड सिख्स इन, ये 1932 में इन्होंने ये अवार्ड जो थे दिए थे। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट ये चौधरी रहमत अली ने बनाई थी, और इसकी तारीख है 1933 में इन्होंने बनाई थी। अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान इन हाउ मैनी ग्रुप्स इंडिया वाज टू बी डिवाइडेड। कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, इन्होंने हिंदुस्तान को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया था। हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ सैकर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सैकर्ड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है, ये 1930 से लेकर 1932 तक हुई थी। इन दोनों सालों में 3 कॉन्फ्रेंसें हुई थी, और ये तीनों की तीनों लंदन में कॉन्फ्रेंसें मुनक़द हुई थी। और इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे रिमसे मैकडोनल्ड थे। कादे आजम बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। ये सवाल काफ़ी मरतबा ही पूछा गया, इसलिए मैंने शामिल किया, और काफ़ी इजी भी है और ये काफ़ी मशहूर भी है। 1934 में परमानेंट प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग का बना दिया गया था कादे आजम को। मुस्लिम सेलिब्रेटेड द डे ऑफ डिलीवरेंस, ये डे ऑफ डिलीवरेंस भी काफ़ी मशहूर है, और ये सवाल बहुत मरतबा पूछा गया। 22 दिसंबर 1939 में, बाज़कात 1939 पूछता है और बाज़कात विद डेट पूछ लेता है, दिसंबर मंथ और डेट 22 दिसंबर 1939 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अनएक्टेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था इसे 1935 में अनएक्टेड कर दिया गया था। डेथ ऑफ सर अब्दुल हारून जो सिंध से थे, इन्होंने सपोर्टेड किया था जो रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान था, ये सिंध से तलक रखते थे। इनकी डेथ कब हुई थी? 1942 में, 1942 में इनकी डेथ हुई थी।
वैन द मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटेरियम गवर्नमेंट इन, मुस्लिम लीग ने इंटेरियम गवर्नमेंट को कब ज्वाइन किया था, 1946 में, और लियाकत अली खान मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे। इन द इलेक्शन ऑफ 1955 एंड 54 56, 1945 और 46 के इलेक्शन में 119 सीटों बंगाल की सीटें थी और उसमें से मुस्लिम लीग ने 113 सीटें हासिल की थी। सिंध सेपरेट फ्रॉम बम्बई, सिंध ये सेपरेट हुआ था 1935 में। ये इंतहाई काफ़ी अहम सवाल है और मशहूर तरीन सवाल है, और इंटरव्यू में बाज़ अवकात इस तरह पूछे लेते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान का दूसरा कैपिटल जो है ये कब बनाया गया, ये भी सवाल, मतलब इस्लामाबाद दूसरा कैपिटल है हमारा, ये कब बनाया गया था, ये 1960 में बनाया गया था। ये दोनों सवाल काफ़ी मशहूर हैं। कांग्रेस फॉर्म्स मिनिस्टर्स इन प्रोवेंस, कांग्रेस ने जो मिनिस्टर अपने फॉर्म्स किए थे ये साल से 1937 के जो इंतखाबात हुए थे। डेथ ऑफ मौलाना शौकत अली, मौलाना शौकत अली साहब की कब डेथ हुई थी, 18 फरवरी 1936 में। पीरपुर पोर्ट, ये भी काफ़ी मरतबा सवाल रिपीटेड हो चुका है, ये पब्लिश्ड हुई थी 1938 में। उसके बाद वर्ल्ड वार टू बिगन इन, दूसरी जंग अजीम कब शुरू हुई थी, कौन से महीने में, सितंबर 1939 में। वेन डिड द विसराय आस्क द कांग्रेस टू फॉर्म एन इंटरिम गवर्नमेंट, सितंबर 1946। हाउ मैनी मेम्बर्स वर नोमिनेटेड बाई मुस्लिम लीग फॉर द इंटरिम गवर्नमेंट, पांच इन्होंने नोमिनेट किए थे। मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे ये भी काफ़ी मरतबा सवाल पूछा गया है, 14 अगस्त 1946 में, सॉरी यहाँ पे फोर है, 16 अगस्त 1946 में। वैन डिड द मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू एक्सेप्ट कैबिनेट मिशन प्लान, कब मुस्लिम लीग ने डिसाइडेड किया था कि हम कैबिनेट मिशन जो है इसे मान लेते हैं, जून 6 1946 में, जून 6 जून 1946 में। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान ऑन, ये काफ़ी मरतबा सवाल पूछा गया और इंतहाई अहम है, इसकी वो जो बार बार इस सवाल को पूछता है। 14 10 अगस्त 1947, बाज़ अवकात सिर्फ 1947 ही पूछता है और बाज़ अवकात साथ महीने का नाम और डेट भी पूछता है जो 4 MCQs देता है। वट डेड लैंड डिड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली अनाउंस फॉर ग्रांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस टू इंडिया ऑन फेबरी 20 1947, जून 1948 तक इन्होंने डेड लैंड दे दी थी। रिप्लेस्ड लॉर्ड वेवल एज ए विसराय ऑफ इंडिया 1947, 1947 में लॉर्ड वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन आए थे, ये लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन थे।